गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से इंद्रमोहन चौहान मेमोरियल पॉलीटेक्निक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो थर्ड सेमेस्टर के छात्र होते हैं उसमें हम लोग मशीन फर्स्ट को पढ़ रहे हैं और इस सीरीज़ का यह हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एक डीसी जनरेटर कि आर्मेचर में कितना ईएमएफ पैदा होता है, जो ईएमएफ पैदा होता है, जो वोल्टेज पैदा होता है, वह किन किन बातों पर निर्भर करता है, यह आज का हमारी क्लास है। जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी जाएगा कि ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कितना ईएमएफ पैदा होता है और वह ईएमएफ किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके बारे में आपको आज पढ़ना है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देखे होंगे जो जनरेटर होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा है, शादी विवाह में आप ऐसे जनरेटर कई तरीके के देखे होंगे जिसका प्रयोग हम लोग अपने जो भी डेकोरेशन का काम होता है शादी विवाह में, वहाँ पर हम लोग प्रयोग में लाते हैं। और ये जो जनरेटर होता है, इसका जो मेन काम होता है, ये जो जनरेटर होता है, ये एसी जनरेटर होते हैं, एसी जनरेटर हमारे होते हैं। हमको किसके बारे में पढ़ना है? डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ना है, डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ना है। तो ये जो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में अंतर क्या होता है? बस एक चीज़ का अंतर होता है कि जो हमारे डीसी जनरेटर होते हैं उसमें कम्यूटेटर लगा होता है और एसी जनरेटर में हमारे कम्यूटेटर नहीं लगे होते हैं, यह मेन अंतर होता है। कम्यूटेटर का जो काम होता है एसी को डीसी में बदलना तथा डीसी को एसी में बदलना। अगर वो हमारे पास डीसी जनरेटर है तो ये जो आर, यह हमारा जनरेटर है, इस जनरेटर के कुछ भाग आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जनरेटर का एक जो होता है मेन, इसका जो होता है इतना भाग जो होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंजन कहते हैं। ये इसका क्या है? इंजन है, इंजन है। यह जनरेटर का जो मेन, ये जो होता है इंजन होता है, इसका काम क्या होता है? ये जो जनरेटर का शाफ्ट होता है, यह जो शाफ्ट होता है, इसको क्या करना? घुमाना। इस शाफ्ट को क्या करना? कंटिन्यूअस घुमाना, इसको रोटेट करना हमारा इस जो इंजन होता है इसका काम होता है। इसके और जो इसका मेन भाग देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इतना भाग जनरेटर का क्या होता है, जिसमें वाइंडिंग होती है, जिसमें क्वालिंग की गई होती है, और वोल्टेज हमारा इतने ही भाग में पैदा होता है। वोल्टेज हमारा क्या होता है? इतने भाग में पैदा होता है। ये इसका टर्मिनल बॉक्स है, यह हमारा टर्मिनल बॉक्स है। यहाँ से जो भी वोल्टेज पैदा होगा उसको हम लोग यहाँ से सप्लाई ले सकते हैं। तो इसी जो हमारा ये जो मेन भाग है जिसको हम लोग अल्टरनेटर भी कहते हैं, इसके अंदर आर्मेचर होता है जिसमें वोल्टेज पैदा होता है। तो सबसे पहले वोल्टेज जो पैदा होता है उसका सिद्धांत किसने दिया था ये मैं आपको बता दूं, फिर उसके अंदर वाली चीज़ें जो इसकी क्वालिंग होती है, जो बाइंडिंग होती है, उसको दिखाऊंगा, फिर आगे की चीज़ें आपको ईएमएफ इक्वेशन कराऊंगा। तो जो वोल्टेज किसी भी क्वाल में या किसी भी जनरेटर में पैदा होता है, इसका सिद्धांत फैराडे साहब ने दिया था। फैराडे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि किसी भी क्वाल में, किसी भी वाइंडिंग में हमारी वोल्टेज कैसे पैदा होती है। तो आइए थोड़ा समय आपको फैराडे का नियम पढ़ने वाले हैं। फैराडे का नियम, फैराडे साहब ने क्या बताया था कि अगर किसी चालक को, किसी चालक को हम लोग क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र में रखें, किसी चालक को हम लोग क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र में रखें। यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र मैं आपको बता रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र पैदा कहाँ होगा? जहाँ हमारा मैग्नेट होगा। तो ये हमने मैग्नेट के दो पोल, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ को बना दिया, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा को हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र की वह किधर से किधर होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। इसी चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग क्या करें, किसी चालक या किसी कंडक्टर को अगर रखें, यह हमारा कोई चालक है, इसमें हम लोग क्या करें, इस कंडक्टर को हम लोग क्या करें, इस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएं, इस कंडक्टर को हम लोग क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो इस कंडक्टर में हमारा क्या होता है, ईएमएफ पैदा होता है। यही फैराडे साहब ने बताया था, यानी किसी चालक को हम लोग क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएं तो उसमें ईएमएफ पैदा होता है, और जो ईएमएफ पैदा होता है वह कितना होता है? ई बराबर बी एल वी साइन थीटा,
ये जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि उस चालक में कितना हमारा ईएमएफ पैदा होता है। जहां ई क्या है, इस चालक में पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कंडक्टर, यानी जो चालक में विद्युत वाहक बल पैदा होता है उसको ई से प्रदर्शित करते हैं। बी क्या है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका घनत्व यानी फ्लक्स डेंसिटी को बताता है। एल क्या है, इस चालक की लंबाई है। और भी क्या है, इस चालक को हम लोग किस वेग से घुमा रहे हैं, यानी वेलोसिटी है, चालक का वेग है। और थीटा क्या है, ये जो चालक है और जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके बीच का क्या होता है, एंगल होता है। अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है तो किसी चालक में हमारा क्या होता है, ईएमएफ पैदा होता है। और एक ईएमएफ ज्ञात करने का दूसरा भी तरीका होता है कि ई बराबर आप लिख सकते हैं एन डी फाई अपार क्या होता है, डी टी। यहाँ माइनस साइन भी हम लोग लगा देते हैं। माइनस साइन किसके कारण होता है, ड्यू टू लेंज के कारण, जहाँ एन क्या है, इस चालक में कितने टर्न लगाएंगे, नंबर ऑफ टर्न है। और ये क्या होता है, फ्लक्स, फ्लक्स होता है। और टी क्या होता है, समय, यानी समय के साथ साथ फ्लक्स में अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो भी हमारा क्या होता है, ईएमएफ पैदा होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर चालक स्थिर हो और फ्लक्स को हम लोग किसी माध्यम से घुमा दें तो फ्लक्स जब कंडक्टर से लिंक करता है या चालक से लिंक करता है तो भी हमारा ईएमएफ पैदा होता है चालक में। यह बात हमारे फरारे साहब ने बताया था जो कि जनरेटर में लगने वाला है। तो आइए हम लोग एक जनरेटर को देखते हैं, उसके इंटरनल पार्ट को। तो ये देखिए, ये हमारा एक जनरेटर का इंटरनल पार्ट आपको यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है आपका, ये आपका दिखाई दे रहा है रोटर क्वायल, जो हमारा आर्मेचर होता है, जो रोटर होता है उसमें क्या होती है, ये क्वाइल जो लगाई गई होती है अंदर, यह आपको दिखाया गया है। यह हमारा शाफ्ट है, यह ब्रशेज आपको दिखाई दे रहे हैं, और यह क्या है हमारा स्टेटर है, मैग्नेटिक जिसको है, या हम लोग मैग्नेट स्टेटर कहते हैं या मैग्नेटिक स्टेटर यहाँ पर है। और ये हमारा कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर हमारा कहाँ लगा होता है, डीसी जनरेटर में ही लगा होता है, एसी जनरेटर में हम लोग कम्यूटेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसी क्वाल में कितना ईएमएफ पैदा होता है इसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि अगर हमारे पास, देखिए एक डीसी मशीन का हम लोग फिगर बनाकर अगर मैं आपको समझाऊं, तो ये हमारे पास कोई क्या है, डीसी मशीन का स्टेटर है। और इसमें हम लोग फिर क्या बनाने वाले हैं, हम लोग बनाने वाले हैं जो हमारे मैग्नेटिक पोल होते हैं उसको। ये हमारे क्या है, मैग्नेटिक पोल हमने यहाँ पर बना दिया। ये देखिए, ये एक पोल, ये दो पोल, ये तीन पोल हमारे पास, और ये चार पोल, चार पोल हमने बना दिया। और बीच में हमने क्या बना दिया, यहाँ पर आर्मेचर, बीच में हमने क्या बना दिया, आर्मेचर। यह ब्रशेस है, ब्रशेस की सहायता से हमने सप्लाई को बाहर निकाला। अब इसी आर्मेचर में कितना ईएमएफ पैदा होगा यह हमको देखना है। तो यह पोल है, तो पोल का अगर आप नाम देंगे तो यह मान लो कि P1 पोल है, या P1 है, P2 है, P3 है, इस तरह से मान लीजिए कि जितने पोल होंगे उसका हम लोग नाम दे सकते हैं। यह पोल अल्टरनेट होते हैं, अल्टरनेट का मतलब एक नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ होगा, एक नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ होगा। तो जो भी हमारे ये जो आर्मेचर में कंडक्टर भरे जाते हैं, जो चालक होते हैं, उसमें ईएमएफ जो पैदा होता है उसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि जो ईएमएफ पैदा होता है उसका फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, ई बराबर क्या होता है, माइनस एन डी फाई अपान क्या होता है, डी टी होता है। ई बराबर क्या होता है, माइनस एन डी फाई अपान डी टी होता है। अब यहाँ से अगर एन बराबर हम लोग क्या ले लें, एन बराबर क्या ले लें, एक, एन बराबर कितना ले, एक, एक कंडक्टर हम लोग लें, एक चालक लें, एक कंडक्टर लें, तो हमारा ई बराबर कितना हो जाएगा, डी फाई अपान डी टी हो जाएगा। ये फाई क्या है, चेंज इन फ्लक्स, और डी टी क्या है, चेंज इन टाइम, यानी समय के साथ जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसी कारण हमारा क्या होता है, ईएमएफ पैदा होता है। तो अगर आप ध्यान देंगे कि अगर इस आर्मेचर को हम लोग घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो एक हम लोग कंडक्टर के लिए यहाँ पर बात करें, क्योंकि एन बराबर हमने कितना रखा, एक रखा है। तो जब इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे तो एक जब कंडक्टर हमारा क्या करेगा, एक पोल से पास होगा तो एक फाई फ्लक्स को काटेगा, यानी उसी प्रकार से दो पोल से पास होगा तो दो फाई फ्लक्स काटेगा, तीन पोल से पास होगा तो तीन फाई फ्लक्स काटेगा, और चार पोल से काटेगा तो चार फाई फ्लक्स काटेगा। अगर हम लोग कहें कि किसी मशीन में पी पोल है और पी पोल से हमारा एक कंडक्टर पास हो रहा है तो पी फाई फ्लक्स को क्या करेगा, काटेगा। तो यानी एक कंडक्टर द्वारा
काटा गया कितना फ्लक्स हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एक, क्योंकि n बराबर हमने क्या लिया एक, तो एक चालक की बात कर रहे हैं, तो एक चालक द्वारा हम लोग क्या लिखेंगे, एक चालक द्वारा काटा गया फ्लक्स कितना होगा, पी फाई होगा। एक चालक द्वारा काटा गया फ्लक्स कितना होगा, पी फाई। आप देखिए पी क्या है, जहाँ पोलों की संख्या है, अगर एक पोल है तो एक फाई, दो पोल हैं तो दो फाई, तीन पोल हैं तो तीन फाई, चार पोल हैं तो चार फाई, अगर मशीन में पी पोल हैं तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, पी फाई। यानी एक चालक के द्वारा काटा गया फ्लक्स कितना होगा, पी फाई होगा। यानी जब एक चालक हमारा क्या करेगा, एक राउंड करेगा, तो वो पी फाई फ्लक्स को क्या करेगा, काटेगा। इतना बात समझ में आ रहा है, एक चालक जो है हमारा क्या करेगा, एक राउंड करेगा तो वह पी फाई फ्लक्स को काटेगा। हमारा जो चालक है, हमने कह दिया कि माना यह क्या हो रहा है, यह जो चालक है वह एन आर पी एम से क्या हो रहा है, एन आर पी एम से क्या हो रहा है, घूम रहा है। एन आर पी एम से क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो आर पी एम का मतलब क्या होता है, राउंड पर मिनट, यानी एक मिनट में वह क्या कर रहा है, कितना राउंड कर रहा है, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो राउंड पर मिनट, यानी एक मिनट में आपका 60 सेकंड होता है, तो जो हमारा रोटर है वो हम मान ले रहे हैं कि एन राउंड कर रहा है कितने समय में, 60 सेकंड में। एन राउंड कितने में कर रहा है, 60 सेकंड में। तो एक राउंड करने में कितना समय लेगा, तो एक राउंड करने में ये कितना समय लेगा, एक राउंड करने में यह 60 बाई क्या करेगा, एन सेकेंड का क्या लेगा, समय लेगा। तो ये जो आपका डीटी है, डी टी यानी जो टाइम है, वो हम लोग कितने समय के लिए ले रहे हैं, एक सेकेंड के लिए ले रहे हैं। यानी एक राउंड करने में कितना समय ले रहा है, इतना समय ले रहा है, तो इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे, एक चक्कर करने में लगा गया समय, यानी एक चक्कर करने में क्या होगा, लगा समय, एक चक्कर करने में लगा समय कितना समय लगेगा, वह हमारा समय यहाँ पर लिखा गया क्या है, 60/N। यह डी टी जो फार्मूले में आपको समय दिया गया, यहाँ से हमने समय निकाला कि एक राउंड करने में कितना समय ले रहा है। तो यानी अगर एक राउंड की बात करें तो ये एक राउंड करने में इतना समय ले रहा है, और जितने राउंड करेगा उतने से हम लोग क्या कर देंगे, उसमें गुणा कर देंगे। तो ये एक राउंड का हमने निकाला, और जो एक चालक द्वारा काटा गया फ्लक्स है इतना है। तो एक चालक में कितना ईएमएफ पैदा होगा, इस फार्मूले में अगर हम लोग देखेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, पी फाई। डी फाई के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, पी फाई, और डी टी के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 60/N लिख देंगे। 60/ क्या लिख देंगे, एन। यह एन ऊपर चला जाएगा तो पी फाई क्या हो जाएगा हमारा, एन बटे क्या हो जाएगा, 60। यह क्या हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा। यानी एक चालक में इतना ईएमएफ पैदा हो रहा है, एक चालक में कितना ईएमएफ पैदा हो रहा है, इतना ईएमएफ पैदा हो रहा है। अगर हम लोग कहें कि इसमें क्या है, हमारा जो ये आर्मेचर है, आर्मेचर का जो हमारे स्लॉट्स कटे होते हैं, समझ रहे हैं, उस स्लॉट्स में जितने कंडक्टर होंगे, यानी उस पूरे कंडक्टर में कितने ईएमएफ पैदा होंगे, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसको थोड़ी सी बातें मैं आपको समझा दूँ। नए पेज पर देखिए, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर में स्लॉट्स कटे होते हैं, और स्लॉट्स में क्या होते हैं, चालक होते हैं। तो हमने ये एक चालक को दिखा दिया, ये दूसरे चालक को दिखा दिया, ये तीसरे चालक को दिखा दिया, ये चौथे चालक को दिखा दिया, ठीक। तो ये हमारे एक स्लॉट्स में इतने चालक है। उसी प्रकार से दूसरे स्लॉट्स की बात करें तो हम लोग दूसरे स्लॉट्स में भी हम लोग इस तरह से चालक को दिखा सकते हैं कि दूसरे चालक में भी हमारे चार कंडक्टर है। इसी तरह से तीसरे चालक में भी हम चार कंडक्टर को दिखा दे रहे हैं ऐसे। इसी तरह से चौथे चालक में भी हम लोग क्या, चौथे स्लॉट में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, चार कंडक्टर को इस तरह से दिखा दे रहे हैं। अब ये सभी जो कंडक्टर होते हैं वह पैरेलल में आपस में जुड़े होते हैं। तो जो किसी भी डीसी मशीन में आप देखेंगे तो जो जेड होता है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, टोटल नंबर था आर्मेचर कंडक्टर, यानी चालकों की कुल संख्या। अब पी क्या होता है, ये पोल की संख्या होता है, पी बराबर क्या होता है, पोल की संख्या। और ये क्या होता है,
ये क्या होता है, ये जो होता है हमारा, ये पैरेलल पाथ की संख्या होती है, पैरेलल पाथ की संख्या है, पैरेलल पाथ की संख्या यानी समांतर पथों की हमारे क्या होती है संख्या, जिसको हम लोग क्या करते हैं ए से दिखाते हैं। फाई क्या होता है, यह फ्लक्स, फ्लक्स पर क्या होता है पोल होता है, एक पोल से निकलने वाला हमारा क्या होता है फ्लक्स होता है। और एन क्या होता है, स्पीड होता है, जिस स्पीड से हमारा क्या होता है आर्मेचर घूमता है, उसको हम लोग किससे दिखाते हैं एन से। तो जो हमारा ईएमएफ पैदा होता है, ये पूरे ये हमारे स्लॉट्स होते हैं, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जेड बाई क्या लिखते हैं ए लिखते हैं, यानी जितने कंडक्टर होंगे जेड बाई क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, जितने कंडक्टर होते हैं अगर उसमें हम लोग पैरेलल पाथ से भाग लगा दें तो हमारे एक पैरेलल पाथ में जो कंडक्टर आते हैं उसकी संख्या निकल के आएगी। जैसे आप देखिए, अगर ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, तीसरा है, चौथा, तो चार इसमें, चार इसमें, चार इसमें, चार इसमें, तो टोटल आप कंडक्टर की बात करें तो इसको हम लोग जेड से दिखाते हैं, जेड बराबर कितना हो जाएगा 16। पैरेलल पाथ कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर ए बराबर कितना लिखेंगे 4, ए बराबर कितना लिखेंगे 4। तो एक जो हमारा पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर होंगे, एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर होंगे, तो कैसे लिखेंगे, ये हम लोग 16 में 4 से भाग लगाएंगे, यानी जेड में हम लोग किससे भाग लगाएंगे ए से, जेड में हम लोग किससे भाग लगाएंगे ए से, तो यानी 16 बटे क्या लगाएंगे 4, तो बराबर कितना आएगा 4 कंडक्टर। तो एक पैरेलल पाथ में जितने कंडक्टर हैं उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, जेड बाई ए से। एक पैरेलल पाथ में जितने कंडक्टर होते हैं उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, जेड बाई ए से। तो एक पैरेलल पाथ में जितने कंडक्टर होंगे उसको जेड बाई ए से हम लोग दिखाते हैं, और एक कंडक्टर में जो ईएमएफ पैदा हुआ उसको अभी आपने क्या कहा निकाला, अभी आपने क्या निकाला, एक कंडक्टर में जो ईएमएफ पैदा हुआ वो कितना होता है, इतना होता है। तो एक हमारे क्या लिखेंगे, एक पैरेलल पाथ में कंडक्टर की जो संख्या होती है वो कितना होती है, जेड बाई ए। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, एक पैरेलल पाथ में चालक की संख्या, चालक की संख्या कितना होती है, जेड बाई ए होती है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक चालक में तो इतना ईएमएफ पैदा हो रहा है और पूरे चालक कितना है, इतना है, तो एक पैरेलल पाथ में जो ईएमएफ पैदा होगा इसमें हम लोग क्या कर देंगे, जेड बाई ए से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, इसलिए एक पैरेलल पाथ में इंड्यूस्ड ईएमएफ, या इसको हम लोग ईजी से भी लिखते हैं, ईजी से हम लोग क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, ईजी बराबर क्या होगा, यह हमारा क्या है पी फाई एन बटे क्या, पहले से 60 था ही, और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, यह जेड बाई ए से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इतना ईएमएफ हमारा क्या होगा, पूरे एक पैरेलल पाथ में इतना ईएमएफ पैदा होगा, और जो एक पैरेलल पाथ में जितना ईएमएफ पैदा होता है, यानी इस पैरेलल पाथ में जितना ईएमएफ पैदा होता है उतना ही सभी पैरेलल पाथ में ईएमएफ पैदा होते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी क्या होते हैं, आपस में समांतर में लगे होते हैं, और समांतर में वोल्टेज क्या होता है, बराबर होता है। तो एक पैरेलल पाथ में जो ईएमएफ पैदा होता है, यहाँ पर इसको आप ईजी से दर्शाते हैं, ईजी बराबर क्या होता है, अभी जो फार्मूला आपने पीछे लिखा है जेड पी फाई एन बाई क्या होता है 60 ए होता है, इतना हमारा एक पैरेलल पाथ में ईएमएफ पैदा होता है, और इसको क्या लिखते हैं वोल्ट लिखते हैं, और इतना ही हमारा जो होता है वोल्टेज पैदा होता है किसी भी जनरेटर में, समझ रहे हैं आप। जो है तो जो जनरेटेड वोल्टेज होता है उसके लिए जो फार्मूला निकल के आता है जेड पी फाई एन बाई 60 ए, इसको डेरिवेट करना होता है, डेरिवेट करके इतना लाना होता है, जहाँ जेड क्या होता है टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, यानी आर्मेचर में कुल चालकों की संख्या, पी क्या है, पी क्या है पोल की संख्या होती है, फाई क्या है यह पोल से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स पर पोल, पोल से निकलने वाला, एक पोल से निकलने वाला फ्लक्स होता है, एन क्या है यहाँ पर चालक की स्पीड है, जिस चालक से हम लोग इसको घुमाते हैं, और ए यहाँ पर अगर आप देखें ए छूट गया था, तो ए क्या है पैरेलल पाथ की संख्या, आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है ये क्या है पैरेलल पाथ की संख्या है।
तो इसमें सारे डाटा लिखा गया और जो ईएमएफ पैदा होता है इतना आर्मेचर में ईएमएफ पैदा होता है। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी जनरेटर में कितना ईएमएफ पैदा होता है उसकी गणना हम लोग कर पाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा कि एक जनरेटर के आर्मेचर में कितना ईएमएफ पैदा होता है। तो ये डेरिवेशन आपको करने के लिए आना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो जनरेटर होता है इसके अंदर जो आर्मेचर रखा होता है उसमें ईएमएफ जो पैदा होता है वो कितना होता है, ये चीज़ हमको आज पढ़ना था। और कितना होता है उसको ईजी से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ईजी बराबर क्या होता है, जेड पी फाई एन बाई 60 ये होता है। ये डेरिवेशन करना आपको आना चाहिए। और ये हमारी आज की क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ और चीज़ें डीसी जनरेटर के बारे में या डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में कोई कमी हो तो अपना सुझाव आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।